आरंग की ग्राम पंचायत बहार में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी से सरपंच निर्मला साहू के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें ग्रामीणों का आरोप था कि सरपंच निर्मला साहू द्वारा शौचालय निर्माण में राशि की बंदरबांट की गई है और हितग्राहियों से पैसे भी मांगे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से हितग्राहियों से हजारों रुपए भी लिए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम ने अपने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, जिसमें सरपंच पर लगे आरोप तो सही पाए गए तो वहीं मामले में सरपंच ने कार्रवाई से बचने के लिए अपर कलेक्टर के कोर्ट में अपील दायर कर दी, जहां मामले की कार्रवाई में देरी होने के चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। पांच जो सदस्य बना के गांव में जांच के लिए भेजे थे उसमें सही पाया गया है और आज मामला एसडीएम ऑफिस में लंबित है और धारा 40 बिहार के द्वारा अनियमितता किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस अनियमितता भ्रष्टाचार शौचालय से संबंधित था, जिसकी शिकायत एसडीएम ऑफिस में हुई थी, पाई गई थी। यहाँ पर प्रकरण दर्ज किया गया था और जांच पश्चात उनको यहाँ से नोटिस जाना था। इसी बीच में वहाँ अपर कलेक्टर महोदय के सामने उनके द्वारा याचिका दायर की गई है और वो मूल प्रकरण जो है वो अपर कलेक्टर महोदय के यहाँ।